अंजना सिंह, आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी, मोनालिसा, अक्षा सिंह, रितु सिंह, पाकी हेगड़े और न जाने कितनी ही ऐसी एक्ट्रेसेस हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की जिनका एक समय में हर मामले में परचम बुलंदियों पर था। एक्टिंग, खूबसूरती, डांस, जोड़ी बनाने में हर मामले में यहाँ की हसीनाओं का मानो कोई सानी नहीं था। इनके बिना ना ही एक्ट्रेस अपने आप को कंप्लीट मानते थे ना ही अपनी फिल्म को। इन एक्ट्रेसेस को देखकर ऐसा लगता था जैसे अदाकारी का अगर कोई चेहरा है तो वो इन्हीं सबका है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय के साथ पेड़ पर लगे फूल भी गिरकर उसकी जगह नए फूल आ जाते हैं। ठीक वैसे ही आजकल होता दिख रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी, जहां देख ऐसा लग रहा है कि मानो इन हसीनाओं को मात दे रही हैं वो एक्ट्रेसेस जिन्हें आए महज जुम्मा जुम्मा कुछ साल, महीने और दिन ही हुए हैं। और सबसे अहम बात की जो एक्ट्रेस एक समय में डायरेक्टर प्रोड्यूसर से अपनी पसंद की हीरोइन जो कि इन्हीं में से एक होती थी उन्हें लेकर ही फिल्म में काम करने के लिए हामी भरते थे, वही एक्ट्रेस अब इन्हें छोड़ नई एक्ट्रेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। यानी उनके हर एल्बम में, लेटेस्ट म्यूजिक वीडियोस में इन हसीनाओं का ही दबदबा नजर आता है। अब कौन से एक्ट्रेस की हम बात करें यहाँ फिलहाल समझदार लोग समझ ही चुके होंगे, लेकिन हम उन एक्ट्रेसेस के नाम जरूर यहाँ बता सकते हैं जिनके हुस्न का जलवा, जादू ऑडियंस के साथ साथ तमाम भोजपुरी स्टार्स पर आजकल बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। शुरुआत करते हैं पहाड़ी बाला ब्यूटी श्वेता महारा के नाम से, जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी अनोखी सुंदरता और अलग से चार्म से सबको, लगभग सबको अपना दीवाना बना दिया था। बता दें कि श्वेता महारा उन एक्ट्रेसेस में से सबसे आगे हैं जिन्होंने एक साल से कम के वक्त में ही सुपरस्टार पवन सिंह, ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव, कल्लू, रितेश पांडे, समर सिंह, नीलकमल, हर स्टार के साथ एल्बम किया है। और किसी किसी स्टार्स के साथ तो श्वेता ने एक दो नहीं बल्कि कई एल्बम्स बैक टू बैक किए हैं। बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनीज की पहली पसंद में श्वेता महारा का ही नाम है। एक्ट्रेस क्या मुंबई, पटना बल्कि दुबई तक में जाकर उनके प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रही हैं। इन सब बातों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्वेता महारा ना सिर्फ ऑडियंस की बल्कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स और कंपनीज की लिस्ट में टॉप पर है। वैसे क्या है इसकी वजह भी आपको बता दे कि ऑडियंस जो कि आए दिन नए चेहरे, नए फ्रेश टैलेंट को चाहती है देखना, उनके स्केल पर श्वेता एकदम परफेक्ट है। वो खूबसूरत है, खुद को मेंटेन रखती है, डांस एक्सप्रेशन हर एक चीज में आगे है। ऐसे में एक्ट्रेस बजाय उन चेहरों को लेने के जिनकी उम्र अब चेहरों पर नजर आने लगी है, उन एक्ट्रेसेस को ले रहे हैं जिनके चेहरे से सिर्फ और सिर्फ सुंदरता और टैलेंट ही टपकता नजर आता है। और सिर्फ श्वेता महारा ही नहीं बल्कि कन्नड़ फिल्मों से आई हर्षिका पुनाचा और हाल ही में हिट मशीन की फिल्म बोल राधा बोल से सुर्खियों में छाई मेगा श्री भी इसी कड़ी का हिस्सा है। बता दें कि भोजपुरी के डायरेक्टर्स, एक्टर्स अब इन एक्ट्रेसेस को बड़ा चांस देने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखते। दूसरी इंडस्ट्री और भाषा को ज्यादा ना जानने के बावजूद भी इन्हें यहाँ काम मिल रहा है, जनता भी इन्हें देख खुश होती है। यकीनन इन्हें लगातार काम मिलने के पीछे का मेन वजह कारण यही है कि यंग फ्रेश टैलेंट और ब्यूटी का है। यकीनन इन्हें लगातार काम मिलने के पीछे का मेन कारण यंग फ्रेश टैलेंट और ब्यूटी का होना है। ऐसे में कहा जाए तो आज के यूथ की पसंद के हिसाब से एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स अपनी पसंद बदलने लगे हैं। वो पुराने की बजाय इन एक्ट्रेसेस को चांस देना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। हालांकि नई एक्ट्रेसेस के इंडस्ट्री में आने से पुरानी एक्ट्रेसेस के ऑरे में ज्यादा बदलाव नहीं होता देखा गया, मगर एल्बम से लेकर मूवीज और ब्रांड तक पे नई हसीनाओं ने पकड़ बना ली है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या सोचना है आपका इस बारे में, जरूर बताइएगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।